वेलकम टू माय चैनल अर्चनास आर्टी हब। आज के इस वीडियो में मैंने एक बॉटल को डेकोरेट किया है जिसमें पेंट की कोई ज़रूरत नहीं थी, पर मैंने वाइट पेंट पहले किया हुआ था एक बॉटल पे, इसलिए मेरा किया हुआ है ये। और उसको ये एक्रेलिक पेंट किया है, तो एक कोट दो कोट करके एकदम प्लेन किया हुआ था मैंने। तो उसमें इसको ये देखिए, दो कोट करने से बिल्कुल अच्छे से कलर आ जाता है। फिर इसको सुखा दिया, एक कोट करके सुखाते हैं, फिर दूसरा कोट करके फिर सुखाते हैं, तभी अच्छे से आता है। उसके बाद मैंने एक ये लेस ली है, ये एडहेसिव लेस है, चिपकती है ये अपने से, इसमें देखिए चेप है। तो ये इसको ये पूरे में एक राउंड मेरा इसमें बॉटल में हो जाएगा। तो इसको पूरा अच्छे से पूरा खोल के नीचे में पूरा एक नेक तक मैं बॉटल के पूरा लपेटा है मैंने, पूरे इसको नेक तक लगाया है पूरे बॉटल को मैंने। तो इसी को बस चिपकाते जाते हैं, इसमें कोई कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें अंदर चेप होता है, तो ये सेल्फ एडहेसिव है, तो अपने से चिपकती है। ठीक है, इस तरह से इसको ये देखिए निकाल के उसको चिपकाते हैं। तो ये देखिए मैंने पूरा ये नेक तक, लोअर यहाँ तक पूरा इसको चिपका दिया है। और इतनी थी मेरे पास, ना पूरी हो गई है। अब ये जूट का की डोरी है मेरे पास, तो इसको लगाएंगे। तो इसको लगाने के लिए मैं ये फेविकोल का यूज़ कर रही हूँ, तो ये भी इसमें आसानी से लग जाती है। देखिए, ये बस एक बार ये शुरू किया और बस फिर इसको घुमाते जाइए और लगाते जाइए। ये भी बहुत जल्दी और आसानी से और अच्छे से लग जाती है। और ये देखिए, इसको इसी तरह से लगाते जाएंगे, हल्का सा एक फेविकोल पहले मैंने लगाया था थोड़ा सा चारों तरफ, बस हो गया अब, और चारों तरफ लग गया अच्छे से। और ये देखिए घूम घूम ये सब पूरा, ये जहाँ तक मेरा ये लेस लगी हुई है वहाँ तक पूरा हो जाएगा इस तरह से। ये देखिए, जल्दी जल्दी एकदम घुमाते जाइए और एकदम आसानी से बिल्कुल हो जाता है एकदम। तो ये जूट की डोरी पूरी जहाँ तक लेस है वहाँ तक मैं पूरा लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, यदि मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर नहीं किया है तो, और मेरे चैनल वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि पसंद आए तो आप भी ट्राई करें। ये देखिए, आखिरी की जो कोना है इसको थोड़ा अच्छे से लगा देते हैं जिससे साइड में चिपक जाए और एक कॉर्नर खुला हुआ नहीं दिखे। ये हो गया, अब थोड़ा सा मैं इसके नेक में कुछ करूँगी। तो सिंपल है, तो एक मेरे पास ये दो मोती रखे थे ऐसे ही कहीं के निकले हुए हैं। तो आजकल तो ये कुछ भी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट और ये सब बनाते हैं, तो कोई भी चीज़ होती है तो उसको संभाल के रख लेते हैं, किसी भी डेकोरेशन के काम आती हैं चीज़ें बहुत, जो हम आसानी से फेंक देते थे, अब उसको नहीं फेंकना चाहिए। ये डेकोरेशन में या कहीं भी कोई भी चीज़ के लिए बहुत उपयोगी होती हैं ये चीज़ें, और बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट तो बहुत बन जाता है कोई भी चीज़ का। तो ये देखिए, ये मैंने दोनों मोती इसमें लगा दिए और इस तरह से डोरी, और ये जो यहाँ पे इसको एक ये जो ये दिख रहा है, तो देखिए ऐसे कहीं भी कुछ भी थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पे, तो ये जो गांठ सी दिख रही है ऐसे अच्छी नहीं लग रही है, तो इसको ये देखिए इसको यहाँ चिपका देंगे इस तरह से। और एक ये देखिए, एक हाफ पर्ल था मेरे पास, इसी पहले कहीं का निकला हुआ है कुछ भी, मैंने उस पर लगा दिया इस तरह से। कोई भी चीज़, मेरी ये कोशिश रहती है फ्रेंड्स कि कम से कम घर में उपलब्ध चीज़ों से ही कुछ बना लूँ, और कम से कम चीज़ें मतलब बाहर जाने के कुछ भी लेके आना तुरंत, तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो जो अवेलेबल है उसमें से ही आप कुछ बनाना चाहेंगे तो बहुत अच्छा बन जाता है। तो ये देखिए, ये ग्लॉस वार्निश है, मैंने वार्निश लगाई है, तो इससे ये डोरी भी अच्छे से चिपक जाएगी, जूट की जो है अच्छे से एक मैसी सी मैश हो जाएगी, अलग अलग कुछ नहीं दिखेगा इसमें ज़्यादा, और नीचे भी। तो देखिए पूरा लगा दिया है, तो ये इसके बाद इसको सुखाएंगे जो वार्निश के बाद, तो एक शाइनिंग आ जाएगी, इसमें ग्लॉस वार्निश है इसमें अच्छी शाइनिंग भी आएगी, और ये जो भी है अपने वर्क को प्रोटेक्ट करता है वार्निश। तो ये देखिए इस तरह से ये सूख गई, उसको सुखाने के लिए रख देंगे, सूख गई है, और ये देखिए बनके तैयार हो गई है।
तो ये फ्रेंड्स बनने के बाद देखिए बहुत सुंदर लगती है। जितनी सिंपल और आसान है बनाने में उतनी ही सुंदर है देखने में, बहुत अच्छी एक एलिगेंट सी बहुत अच्छी दिख रही है। तो ये कोई भी आसानी से बना सकता है और ये बहुत सुंदर बन के तैयार हुई है। ये देखिए तो ये वाइट के साथ और ये जो पिंक में फ्लावर्स हैं, जो ये लेस रेडीमेड मिलती है।